देखो भगवान शिव के, भगवान शंकर के बहुत सारे नाम हैं, और भगवान के बहुत से नामों में एक नाम पशुपतिनाथ भी है। क्या आप जानते हैं भगवान का नाम पशुपतिनाथ क्यों है? भगवान शिव का पशुपति क्यों नाम पड़ गया? कहा गया शास्त्रों में जीव को पशु कहा गया है, जीव को पशु भी कहा जाता है, और जीव के पति भगवान शंकर हैं। जो भगवान नारायण है वो पालन करने वाले हैं, ब्रह्मदेव सृजन करने वाले, वो सृष्टि करने वाले हैं। जब भगवान नारायण थे जलमय सृष्टि था, कुछ भी नहीं था। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, और भगवान के आदेश को पाकर के ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि किया, अर्थात सृष्टि के देवता ब्रह्मा जी महाराज हैं। वो सृजन करते हैं और पालन करने वाले भगवान श्रीमन नारायण हैं। पूरे विश्व का भरण पोषण, पूरे विश्व को चलाने वाले पालन करता भगवान नारायण हैं, और संहार करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। सृष्टि का संहार करने वाले सदा शिव संहार करता है, और अंत में जो जीव है, जो पशु हैं, वो भगवान शिव पर समा जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम है पशुपतिनाथ, इसलिए भी शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। इसके अतिरिक्त भगवान शंकर का पशुपति रूप में पूजन करने से, पशुपतिनाथ का पूजन करने से हमारे भीतर अगर दुर्गुण है तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। पशु भाव का भी हरण करने वाले भगवान श्री शंकर हैं, इसलिए पशुपतिनाथ भगवान को कहा गया। अच्छा ये बताइए, आप लोग कौन कौन पशुपतिनाथ गए हैं? अगर आप नहीं गए तो जीवन में एक बार अवश्य जाइएगा। ये जो पशुपतिनाथ भगवान का दिव्य मंदिर है काठमांडू में स्थित, नेपाल काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। भगवान वहाँ पर पशुपति के रूप में विराजमान है। अगर भक्त भाव से भगवान पशुपति का आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से समस्त संताप मिट जाएंगे। हमारे भीतर जितने भी अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। भगवान शंकर का कई रूप है, भगवान श्री भोलेनाथ के कई नाम हैं। अगर समय मिला तो बाकी आगे भी हम आपको भगवान शंकर के अन्य रूप और अन्य नाम के बारे में आपको अवश्य निवेदन करेंगे। रोज़ आप नियम बनाइए, भगवान आपके घर के आसपास अगर भगवान शंकर जी का स्थान है तो वहाँ जाकर के रोज़ एक लोटा जल बेलपत्र अवश्य चढ़ाइएगा। श्रावण आने वाला है, भगवान श्री पशुपतिनाथ के मंदिर में नित्य प्रति जाकर के दर्शन करिएगा। जो नेपाल के लोग हैं, जो काठमांडू में रहते हैं, बहुत पास है, भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन नित्य प्रति करने का कोशिश करिएगा। श्रावण के महीने में हर सोमवार पशुपतिनाथ अवश्य जाइएगा, दर्शन करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, घर में खुशियाँ आ जाएंगे।